तो गाइस सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हैं मैंने किस तरीके से अपने दोस्त को रेफर करके यहाँ पे 1137 रुपए का कैशबैक प्राप्त किया। आप लोगों को लाइव प्रूफ दिख रहा होगा, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं, कोई भी फेक वीडियो नहीं। मैं आप लोग यहाँ पे नीचे स्लाइड करके दिखा दूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपए करके मैंने यहाँ पे कितना ज़्यादा कैशबैक प्राप्त किया है। आप लोग को बिल्कुल लाइव प्रूफ दिख रहा हो, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं, कोई भी फेक वीडियो नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले नाबी ऐप रेफर एंड अर्न के बारे में, किस तरीके से आप लोग उसको रेफर करना और किस तरीके से आप लोग यहाँ रेफर का कैशबैक मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को अपने एक दोस्त को रेफर करके बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप लोग, मैंने 37 रुपए का कैशबैक प्राप्त किया है नाबी ऐप अकाउंट क्रिएट करने पे। तो मैंने अपने एक फ्रेंड के लिंक से डाउनलोड किया था, जिससे मुझे यहाँ पे 37 रुपए का रियल कैशबैक मिला सीधे मेरे बैंक अकाउंट में। तो गाइस अगर आप लोग भी 37 रुपए का कैशबैक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन की लिंक आप लोग को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से क्लिक करके सबसे पहले आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना है। उस लिंक पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग को डायरेक्ट प्ले स्टोर पर पहुंचा देगा, वहां से क्लिक करके सबसे पहले आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप लोग इसको जैसे ओपन करेंगे तो यहां पे सबसे पहले मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आप लोग को यहां पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे यहां पे क्लिक कर देना है। आप गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग के नंबर पे ओटीपी आएगी, जो ऑटोमेटिक यहां पे इसको वेरीफाई कर लेगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहां पे आप लोग को नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा अलाउ का, तो आप लोग को अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे वेल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर से अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आएगा, जहाँ पे आप लोग को एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आप लोग को एक ऑप्शन दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट का, आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा सेटअप अकाउंट का, आप लोग को सेटअप अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को अपना नाम देना है, तो आप लोग का जो भी पैन कार्ड में नाम हो अपना नाम यहाँ पे इंटर कर देना है। नाम इंटर करने के बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे कैशबैक प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 1 रुपये का ट्रांजेक्शन करवाना होगा अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी आप लोग यूज करते होंगे। तो गाइस चलिए मैं यहाँ पे फोन पे के थ्रू 1 रुपये का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल करके आप लोग को बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे फोन पे सिलेक्ट कर लिया और फोन पे से चलिए मैं यहाँ पे 1 रुपये का ट्रांजेक्शन कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे अपना पिन भी डाल दिया और 1 रुपये का ट्रांजेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुल कर दिया है। 1 रुपये का ट्रांजेक्शन यहाँ पे जैसे सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बैक आ जाएगा नाबी ऐप पे। आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेने लगेगा, आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना यहाँ पे। अपलोडिंग कंप्लीट होने के बाद वो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा ऊपर, तो अब आप लोग को क्या करना है, नीचे आप लोग को आई कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आई कंफर्म वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई योर बैंक अकाउंट का मैसेज आएगा, तो आप लोग को 30 सेकंड का वेट कर लेना है यहाँ पे। अब आप लोग का बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका, अब आप लोग को 37 रुपये का कैशबैक प्राप्त करने के लिए आप सभी को यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा डैशबोर्ड का, तो आप लोग को डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऊपर इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी को सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, तो आप लोग को यहां पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा यूएस टोटल स्टॉक मार्केट फंड ऑफ फंड, तो आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे यहां पे क्लिक कर देना है। अब इस वाले ऑप्शन पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप लोग को 10 रुपये का ट्रांजेक्शन करवाना अपने बैंक अकाउंट से, तो नीचे आप लोग को पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग के नंबर पर ओटीपी आएगी, ऑटोमेटिक वेरीफाई करेगा, आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेरीफाई होने के बाद आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहां पे नीचे आप लोग को ऑप्शन लिखा दिखाई दे रहा होगा यूपे यूजिंग यूपीआई, तो आप लोग को उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सबके सामने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आप लोग को जो भी यूपीआई यूज करते होंगे आप लोग को उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस मैंने अभी यहाँ पे फोन पे सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ से 10 रुपये का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे 10 रुपये का ट्रांजेक्शन जैसे सक्सेसफुल कर दिया, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे बैक करेगा, आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद आप सभी के सामने यहाँ पे डेनी और अलाउ का मैसेज आएगा, तो आप लोग को अलाउ वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब अलाउ वाले ऑप्शन पे आप लोग जैसे क्लिक कर देंगे तो आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेगा, आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद आप सभी को हमने यहाँ पे प्लीज़ वेट का मैसेज आएगा, आप लोग को यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सेटअप अकाउंट का नीचे ऑप्शन मिलेगा, आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। अब उस पर जैसे क्लिक कर देंगे तो आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है, यहाँ पे सेटअप अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेटअप अकाउंट वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आएगा, जहाँ पर आप लोग का पैन कार्ड नंबर मांगेगा, तो आप लोग को जो भी पैन कार्ड नंबर हो आप लोग को अपना पैन कार्ड नंबर ऊपर दे देना है। पैन कार्ड नंबर देने के बाद आप सभी को यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा नेक्स्ट का,
आप लोग को नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग का यहाँ पे पैन कार्ड को वेरीफाई करेगा। आप लोग को यहाँ पे 10 सेकंड का वेट कर लेना है। अब पैन कार्ड जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो आप सभी हमने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप लोग को सबसे पहले ऊपर ईमेल आईडी मांगेगा, उसके बाद मैरिट स्टेटस सिंगल है या मैरिड है आप लोग को उसको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आप सभी के सामने यहाँ पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेने लगेगा। आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है यहाँ पे। अब जैसे ही लोडिंग कंप्लीट हो जाती तो आप लोग को ऊपर ऑप्शन मिल जाता है टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, तो आप लोग को इस पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप लोग को प्राइवेट सेक्टर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सिक्योर ऑफ इनकम, तो सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आप लोग को यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करना चाहते कर सकते हैं। उसके बाद एनुअल इनकम में आप लोग को 1,00,000 रुपये सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आप लोग को ऑप्शन दिख जाएगा नेक्स्ट का, तो आप लोग को नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से लोडिंग लेगा। आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है यहाँ पे। अब लोडिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाती तो आप लोग बैक और अलाउ का मैसेज आ रहा होगा, तो आप लोग को अलाउ वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब अलाउ वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे केवाईसी डिटेल सबमिट हो चुकी है हमारी, जो आप लोग को बिल्कुल लाइव प्रूफ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं मुझे यहाँ पे 33 रुपए का जो कैशबैक मिला है, आप लोग को बिल्कुल लाइव प्रूफ दिख रहा होगा। तो गाइस चलिए आप दिखाते हैं जिस फोन से मैंने रेफर किया था मुझे यहाँ पे 100 रुपए का कैशबैक मिला है नहीं मिला, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिवार्ड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब रिवार्ड्स वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आप लोग देखते हैं मुझे यहाँ पे 100 रुपए का कैशबैक जो जस्ट अभी तुरंत मिला है आप लोग को बिल्कुल लाइव प्रूफ दिख रहा हो, जो कि अभी प्रोसेसिंग में है। 24 घंटे बाद ये मेरे बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक जो क्रेडिट हो जाएगा। तो गाइस चलिए अब बताते हैं किस तरीके से आप लोग भी इसको रेफर करेंगे अपने फ्रेंड को। तो इसको रेफर करने के लिए सबसे पहले आप सभी को करना है अपने नाभी ऐप को ओपन कर लेना है। नाभी ऐप को ओपन करने के बाद आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे प्रोफाइल का जो ऑप्शन दिखता है आप लोग को प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ऊपर आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है शेयर और अर्न का, तो आप लोग को शेयर और अर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब उस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा अर्न प्लेट ₹1500। तो ये 1500 को रेफर का कैशबैक कैसे आप लोग को मिलेगा, सबसे पहले मैं आप लोग को इस पे क्लिक करके आप लोग को इसका बताता हूँ कैसे आप लोग को ये 1500 रुपए मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो एरो दिख रहा होगा इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ऊपर देखते हैं शेयर नाभी ऐप, आप लोग अपने फ्रेंड को शेयर करना है। उसके बाद आपका फ्रेंड यहाँ पे लेगा कैश लोन, आपका फ्रेंड इस एप्लीकेशन में लोन लेगा तब आपको यहाँ पे 1500 का रियल कैशबैक मिलेगा सीधे आप लोग के बैंक अकाउंट में। अब बिना लोन के आप लोग को 100 रुपए कैसे कैशबैक मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग को स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे अर्न प्लेट ₹100, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अपने दोस्तों को इन्वाइट करेंगे और आपका फ्रेंड यहाँ पे 1 रुपए का गोल्ड परचेज करेगा और 10 रुपए का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा, तो आप लोग को यहाँ पे 100 रुपए का रियल कैशबैक मिल जाएगा। कैसे करना मैंने आप लोग को पूरा बताया अपने वीडियो में पीछे, पूरा बताया कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना और कैसे 1 रुपए का गोल्ड परचेज करना, पूरा मैंने आप लोग को बताया है। अब इसको रेफर करने के लिए यहाँ पे शेयर और अर्न का जो ऑप्शन नीचे दिखता है आप लोग को उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी के सामने बहुत सारे जो सोशल मीडिया ऐप आ जाते हैं, आप लोग जिस तरीके से भी रेफर करना चाहते हैं अपने फ्रेंड को यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। अब रेफर करने के बाद आप लोग का फ्रेंड भी इसी तरह सेम प्रोसेस अपना अकाउंट क्रिएट करेगा और अपनी केवाईसी को कंप्लीट करेगा, तो आप लोग को 100 रुपए का रियल कैशबैक देखने को मिल जाएगा, जो कि प्रोसेसिंग में रहेगा 24 घंटे के बाद आप लोग के बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।